हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ अलका ठाकुर फ्रॉम एस डे मॉडल स्कूल आई एम क्लास टीचर ऑफ फर्स्ट डे एंड द सब्जेक्ट टीचर कंप्यूटर टीचर इन थर्ड क्लास टुडे आई विल टीच यू फर्स्ट चैप्टर द चैप्टर इज़ कंप्यूटर एंड इट्स वर्किंग इस चैप्टर में हम कंप्यूटर और इसकी वर्किंग के बारे में समझेंगे इन दिस चैप्टर यू विल लर्न यूजेज ऑफ कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन सी पी यू इनपुट इनपुट डिजपुट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे टुडे कंप्यूटर्स आर बिंग यूज्ड इन आलमोस्ट ऑल फील्ड आज जैसा कि आपको पता ही है कि हर जगह पर यूज किया जाता है ये फील्ड्स होते हैं रेस्टोरेंट हॉस्पिटल क्लिनिक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट एंड मैनी मोर बहुत जगह पर हम इनको यूज़ करते हैं तो ये सारी यूजेज हैं इनको आप रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम वर्किंग इसके समझेंगे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है कंप्यूटर मेनली वर्क इन थ्री पार्ट्स फर्स्ट इज़ इनपुट यूनिट सेकेंड इज़ प्रोसेसिंग यूनिट एंड थर्ड इज़ आउटपुट यूनिट थ्री पार्ट्स हो गए इनपुट यूनिट होता है प्रोसेसिंग यूनिट होता है और आउटपुट यूनिट होता है इनपुट यूनिट के थ्रू हम डाटा एंटर, एंटर करते हैं प्रोसेसिंग के थ्रू जो तो भी हम डाटा एंटर करते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है एंड द आउटपुट यूनिट के थ्रू प्रोसेस के बाद डाटा आपको मिल पाता है प्रोसेसिंग यूनिट में मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं कंट्रोल यूनिट ए एल यू ए एल यू एंड एम यू सी यू ए एल यू एम यू कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट मेमोरी यूनिट टू पार्ट्स की होती है इसमें सेकेंडरी यूनिट होती है और प्राइमरी यूनिट होती है एज यू कैन सी इन द डायग्राम ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मेनली थ्री यूनिट्स तीन यूनिट आपको बता दिए गए हैं इनपुट यूनिट कीबोर्ड एंड माउस सारे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू वर्क करता है प्रोसेसिंग यूनिट ई होता है मेन हमारा आउटपुट यूनिट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वर्क करता है मॉनिटर प्रिंटर ई वर्किंग ऑफ कंप्यूटर अब यहाँ पर ये सारे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम पढ़ चुके हैं बट अब हम डीपली पढ़ेंगे कि कैसे वर्किंग करता है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट इज़ इनपुट यूनिट इस इनपुट यूनिट के थ्रू डाटा हम एंटर करते हैं ये डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है न्यूमेरिक अल्फाबेट या प्रो पैराग्राफ किसी भी टाइप का कोई भी साउंड इनपुट हो सकता है इसको एंटर करने के लिए हमें इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं कीबोर्ड, माउस लाइट पैन स्कैनर ई टी सी नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट आपका सी पी यू हो गया सी पी यू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ये इनपुट को एक्सेप्ट करता है फिर प्रोसेस करता है उसके बाद प्रोसेस के बाद में ये आउटपुट को सेंड कर देता है नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट आउटपुट यूनिट में प्रोसेसिंग डाटा को एक्सेप्ट करता है जिसको हम देख पाते हैं या समझ पाते हैं इसमें आउटपुट यूनिट में आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ होता है जैसे कि हमारा मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर ई नेक्स्ट इज डाटा एंड इन्फॉर्मेशन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या होता है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है डाटा वो होता है जो हम रॉ फैक्ट्स या फिगर को कंप्यूटर में एंटर कराते हैं प्रोसेस के लिए इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है जब तक इस पर कोई प्रोसेसिंग ना की जाए जब इस पर प्रोसेस हो जाता है प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू फिर ये डाटा इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है और ये मीनिंगफुल हो जाता है और यूज़र के लिए यूज़फुल हो जाता है यूज़र मीन्स हम लोगों के लिए यूज़फुल हो जाता है तब हम इसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं डाटा प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन डाटा हमने इनपुट कराया प्रोसेसिंग हुई उसके बाद में हमें आउटपुट मिला इसी को हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने समझ समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हम कुछ कैरेक्टर नंबर्स एंटर कराते हैं जिसको प्रोसेसिंग में अरेंज करते हैं देन हमें आउटपुट मिल जाता है ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन नेक्स्ट इज सी पी यू सी पी यू ये यहाँ पर देखेंगे सी पी यू ये वाला पार्ट है इसमें क्या क्या वर्किंग होती है वो देखेंगे सी पी यू हैज़ मेनली थ्री पार्ट्स ए एल यू एम यू एंड सी यू फर्स्ट इज़ ए एल यू ए एल यू मीन्स अर्थमेट्रिक लॉजिक यूनिट इसमें जो भी आपकी कैलकुलेशन वेस्ड वर्किंग होती है सारी ए एल यू में ही होती है मीन्स एडिसन सब्रैक्शन या कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन हुआ वो सारा वर्क इसमें होता है सी यू जब कंप्यूटर में वर्किंग हो रही होती है तो जो भी इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट कितने जो भी पेरीफेरल्स लगे हुए होते हैं उन पर सारा कंट्रोल सी यू के द्वारा होता है कि कब क्या चीज़ इनपुट कर मतलब एंटर करनी है या कब आउटपुट देना है सारा अरेंज करता है एम यू है जब हम कोई वर्किंग करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं स्टोर करने की हमें नीड होती है तो जहाँ पर हम स्टोर करते हैं वो हमारा कहलाता है मेमोरी यूनिट मेमोरी यूनिट मेनली टू टाइप का होता है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी वो होता है जिसको हम रन रनिंग टाइम में ही यूज़ कर पाते हैं मीन्स अगर लाइट चली जाती है तो वो डाटा हमारा अगर लॉस्ट हो जाता है वो कहलाता है प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम जब हम वर्क करते हैं तो रनिंग का सारा डाटा रैम में जाता है रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एस मेमोरी सेकेंड इज़ रोम रीड ओनली मेमोरी इसमें भी रनिंग डाटा रहता है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस टाइम का सारा चेकिंग जो भी होती है वो रोम के अंदर फीड होती है सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में डाटा ये एक्सटर्नल मेमोरी है इसमें डाटा परमानेंटली सेव हो जाता है मींस अगर कोई पावर कट वगैरह भी लग जाता है तो उस उसके बाद भी हम उस डाटा को यूज़ कर पाते हैं एग्जाम्पल से यहाँ पे सी डी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव डीवीडी डी ये सारे आउटपुट स्टोरेज डिवाइस थे जिसको हम बाद में जिसके थ्रू बाद में डाटा हम यूज़ कर पाते हैं नेक्स्ट इज़ इनपुट डिवाइसेस अब इनपुट यूनिट में आपने देखा था कि इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं मेनली हम इनको समझेंगे इनपुट इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डाटा एंटर कराते हैं फर्स्ट इज़ कीबोर्ड कीबोर्ड आप लोगों ने सेकंड क्लास में भी समझा हुआ था कि कीबोर्ड क्या होता है दिस इज स्टैंडर्ड कीबोर्ड इट हैज़ वन हंड्रेड फोर कीज डिवाइडेड इंटू मैनी पार्ट्स लाइक फंक्शन की नंबर की स्कीप की अल्फ़ाबेट कीज स्पेस पार एंटर की एंड एरो की वट इज़ द कीज़ अल्फ़ाबेटिक कीज़ ये आपकी ए बी सी डी वाली अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं ट्वेंटी सिक्स होती हैं ये टू जेड होती हैं जो भी हम जब भी हमें कोई लेटर या पैराग्राफ लाइन जब भी लिखनी होती है तब हम इन कीज़ का यूज़ करते हैं नेक्स्ट इज़ न्यूमेरिक कीज़ जीरो से लेकर नाइन तक के सारे नंबर अरेंज होते हैं ये दो जगह पर होते हैं अल्फाबेट के ऊपर और राइट साइड में नंबर कीज होती हैं नेक्स्ट है फंक्शन कीज फंक्शन कीज ट्वेल्व होती हैं एफ F1 वन से एफ ट्वेल्व तक ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होती हैं ये यहाँ पे एफ F1 वन से एफ ट्वेल्व तक अरेंज होती हैं नेक्स्ट इज एरो की को हम कर्ज़र कंट्रोल की भी कहते हैं जब हमें अपने कर्जर को कहीं भी मूव करना होता है तब हम कीज का यूज़ करते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट जब हमें करना होता है तब हम कीज का यूज़ करते हैं नेक्स्ट नेविगेशन की नेविगेशन कीज जब हमें कोई भी पेज है या कोई भी फाइल है उसको नेविगेट करना होता है मींस कहीं भी जंप करवाना होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं जैसे है होम एंड बैक स्पेस डिलीट अप पेज डाउन इटी सी नेक्स्ट इज स्पेशल की स्पेशल कीज़ वो होती हैं जिनको हम स्पेशली वर्क के लिए परफॉर्म करते हैं और इनको जो है कई एक दो कीज़ के साथ ही यूज़ कर पाते हैं जैसे शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल ये नेक्स्ट इनपुट यूनिट है डिवाइस है माउस माउस जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं दिस इज द माउस माउस इज आल्सो कॉल पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस होती है इससे हम क्लिकिंग पॉइंटिंग ये सब कर पाते हैं ड्राइंग करते हैं हम यहाँ पर वर्किंग देखते हैं क्या क्या वर्किंग होती है देयर आर फोर एक्शंस ऑफ माउस फर्स्ट इज क्लिकिंग क्लिकिंग क्या होता है जब हम माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाते हैं तब कहलाता है लेफ्ट क्लिकिंग डबल क्लिकिंग जब लेफ्ट बटन को टू टाइम क्विकली प्रेस करते हैं तब हम कहते हैं डबल क्लिकिंग नेक्स्ट है राइट क्लिक राइट क्लिक दिस इज द राइट बटन जब हम इसको प्रेस करते हैं एक बार तभी कहलाता है राइट क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप आपके मॉनिटर स्क्रीन पर कोई भी आइकन icon है आइकन्स में छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं उन आइकन को जब हमें वन प्लेस से अनदर प्लेस पे रिप्लेस करना होता है या पहुंचाना होता है मूव करना होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस आपका हो चुका है अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त होता है फर्स्ट है मॉनिटर मॉनिटर आप लोगों ने देखा ही है मॉनिटर में सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस होती है आउटपुट की जो भी हम डाटा इनपुट के थ्रू एंटर करते हैं वो प्रोसेसिंग के बाद हमें मॉनिटर पर ही दिखाई देता है ये बिल्कुल टेलीविज़न की तरह दिखता है अब यहाँ पर देखेंगे कितने टाइप के मॉनिटर होते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर। देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ मॉनिटर सी आर टी एल सी डी एंड एल ई डी सी आर टी मीन्स ट्यूब्स ये पीछे से बड़ा होता था साइज में बड़ा होता था इसका यूज़ अब नहीं होता है बहुत कम यूज़ होता है नेक्स्ट है एल सी डी एल सी डी साइज में पीछे से ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है और ये लाइट भी कम यूज करता है एल सी डी मीन्स क्रिस्टल लिक्विड डिस्प्ले नेक्स्ट इज एल ई डी एल ई डी एल ई डी फुल फॉर्म इज लाइट एमिटिंग डायोड इट मीन्स एलईडी मॉनिटर में डाटा बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है बिजली कम यूज़ करता है नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस प्रिंटर प्रिंटर के थ्रू जब हम कोई भी वर्क जब हम मॉनिटर पे कोई भी वर्क हमें प्राप्त होता है तो जब हमें उसको पेपर पर लेना होता है तब हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं प्रिंटर के थ्रू हमें डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन का आउटपुट जो है हार्ड कॉपी पर प्राप्त होता है पेपर पर प्राप्त होता है उसी को हम हार्ड कॉपी कहते हैं यहाँ पर थ्री टाइप के प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंक जेट प्रिंटर लेज़र प्रिंटर इन सब में लेजर प्रिंटर बहुत ज़्यादा तेजी से वर्क करता है ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इस इस प्रिंटर दिस इज द इंक जेट प्रिंटर एंड दिस इज द लेज़र प्रिंटर नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर क्या क्या फ़ायदे होते हैं एक्यूरेसी मीन्स वर्क बहुत एक्यूरेट करता है मिस्टेक नहीं करता है स्पीड फास्टली वर्क करता है स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है डाटा स्टोर करने की वर्सिटाइलिटी एक समय में बहुत सारे वर्क कर लेता है रिलायबल ईजीली वर्क कर पाता है कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होता है इसमें डिलीजेंस थकता नहीं है और कंटिन्यूसली वर्क कर पाता है क्योंकि एक मशीन है ये इसलिए नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर डिस एडवाटेज मीन्स यहाँ पर क्या नुकसान है पावर फेलियर पावर फेलियर मीन्स अगर लाइट चली जाती है तो हम इस पर वर्क नहीं कर पाते हैं या हम अपने लैपटॉप पे भी करते हैं तो अगर बैटरी डिस्चार्ज होती है तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट इज़ नो आई इसमें कोई भी आई नहीं होता है मीन से डिसीजन नहीं ले पाता है इसको हमें ही कमांड लेना पड़ता है देन ये आउटपुट हमें दे पाता है नेक्स्ट इज नॉट अफोर्डेबल हम इसका क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है कंप्यूटर सिस्टम तो इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता हर कोई परचेज नहीं कर पाता है इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ जब हम कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा टाइम तक वर्क करते हैं तो ये हमारी आईज़ पर हमारी बॉडी पर इफेक्ट करता है जिससे हमारी हेल्थ पे भी असर पहुंचता है ये तो ये आपका चैप्टर था आई होप ये आप समझ पाए होंगे थैंक यू